दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों हम सभी जब भी कोई स्टैच्यू देखते हैं तब हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि शायद यह स्टैच्यू हमारी तरफ ही देख रहा है। दुनिया भर में बहुत से बड़े और छोटे स्टैच्यूज मौजूद हैं जो कि हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं, और इसी वजह से आज लोग स्टैच्यू को भगवान का प्रतीक भी मानते हैं। लेकिन इन स्टैच्यूज में से कुछ स्टैच्यूज बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी हैं और चल तक सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही रहस्यमयी स्टैच्यूज के बारे में। नंबर 10, द लिविंग स्टैच्यूज। दोस्तों क्या आप सभी को पता है ग्रेनेडा के पश्चिमी तट पर कैरेबियन समुद्र में पानी के अंदर मूर्तियों का एक समूह मौजूद है जो कि जिंदा है और अपने आप हिलता है। लोगों का तो कुछ ऐसा ही मानना है। इन मूर्तियों को 2006 में ब्रिटिश मूर्तिकार जेसन डेकिस टेलर द्वारा बनाया गया था। उन्होंने इन्हें अंडरवाटर स्कल्पचर पार्क शुरू करने के लिए बनाया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को पानी के नीचे के वातावरण से जोड़ना था। इन स्टैच्यूज में से एक स्टैच्यू ऐसा भी है जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जिन्हें किसी इंसान द्वारा फोटोशॉप से बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टैच्यू जिंदा कैसे है। दोस्तों इनके ऊपर बैरियर रीफ्स उगाए हैं जो कि इन्हें किसी जीवित प्राणी की तरह बनाते हैं, और इन्हीं बैरियर रीफ्स में से ये बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं, जिस वजह से लोगों को लगता है कि ये चल रहे हैं। नंबर 9, इजिप्शियन स्टैच्यू। दोस्तों 2014 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रखा एक इजिप्शियन स्टैच्यू अचानक से सुर्खियों में आ गया, क्योंकि वो अपने आप ही हिलने लग गया था। यह स्टैच्यू 1800 BCE में मिस्र के किंग नेबूसेनु का था, जिन्हें पहली बार म्यूजियम क्यूरेटर कैंपबेल प्राइस द्वारा हिलते हुए देखा गया था। उन्होंने देखा कि ग्लास के बने अपने डिस्प्ले केस के अंदर ये स्टैच्यू घूम रहा है, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वही इकलौते ऐसे इंसान थे जिनके पास इस डिस्प्ले केस की चाबी मौजूद थी। दोस्तों पहले उन्होंने इस घटना पर विश्वास नहीं किया और अपनी टीम के साथ इस स्टैच्यू के टाइम लैप्स वीडियो बनाने का निर्णय लिया, जिससे वो ये जान सकें कि कहीं किसी ने उनके साथ प्रैंक तो नहीं किया है। लेकिन उस वीडियो में उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था, क्योंकि ये स्टैच्यू सच में घूम रहा था, वो भी सिर्फ दिन में। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से घूमने की वजह से स्टैच्यू के ऊपर बहुत से रिसर्च हुई, जिनके बाद ये मालूम चला कि शायद ये स्टैच्यू लोगों के पैरों के कंपन की वजह से घूम रहा है, और रात में किसी के म्यूजियम में ना आने की वजह से ये घूमना बंद कर देता है। नंबर 8, मैडोना एंड द ब्लड। अर्जेंटीना के एक शहर में एक परिवार के पास वर्जिन मैरी का एक ऐसा स्टैच्यू मौजूद है जो कि खून के आंसू रोता है। ये स्टैच्यू फ्रायस परिवार के पास मौजूद है, जो कि एक बार नहीं बल्कि कम से कम 38 बार खून के आंसू रो चुका है। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस स्टैच्यू की वजह से इस परिवार के घर पे इसे देखने आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। इस स्टैच्यू की मालकिन रोजाना द्वारा इस स्टैच्यू की एक वीडियो बनाई गई जिसमें इसकी आंखों से सच में खून निकल रहा है। दोस्तों इसके बारे में रोजाना कहती हैं कि यह स्टैच्यू उन्हें एक घटना के बाद मिला था, जिसे वो एक चमत्कारिक स्टैच्यू मानती हैं, जिसने एक बार अपने सामने खड़े एक इंसान के शरीर पर हुए फोड़े को पलक झपकते ही गायब कर दिया था। नंबर 7, बैलेंस पेटल फिनोमना। दोस्तों 1985 की गर्मियों के दौरान काउनिकोर्क आइलैंड के करीब 2.5 लाख लोग बैलेंस पेटल नामक एक गांव के पास इकट्ठा हो गए, क्योंकि उस गांव के निवासियों का मानना था कि वहां मौजूद वर्जिन मैरी का स्टैच्यू अपने आप रोड की तरफ मुड़ रहा है और हवा में तैर रहा है। जैसे ही कुछ लोगों ने यह देखा कि यह खबर पूरे आइलैंड में आग की तरह फैल गई है, वो वहां इकट्ठा होने लग गए। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोगों में से करीब 7 लोगों ने उस स्टैच्यू को हिलते हुए देखा था, जिसके बाद 1985 का साल इस हिलने वाले स्टैच्यू के नाम ही रहा और लोग इसकी पूजा करने आने लगे। खैर इस बात का आज भी कुछ पता नहीं चला कि यह स्टैच्यू आखिर अपने आप हिला कैसे। नंबर 6, जीसस। दोस्तों जीसस क्राइस्ट की वीडियो उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब इसमें दिख रही जीसस की मूर्ति अपने आप पलकें झपकाने लगी और अपने होंठ हिलाने लगी। जिसने भी इस वीडियो को देखा वह हैरान रह गया, क्योंकि इसमें दिख रहे जीसस की मूर्ति सच में ऐसा कर रही थी। हालांकि इस बात का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि यह वीडियो असली है या नकली, और ये बात भी साफ नहीं कि इसमें दिख रहे जीसस एनिमेशन से तो कहीं नहीं बनाए गए। अभी तक इस वीडियो के सोर्स का भी पता नहीं चला है और उस क्लिप के बारे में और कोई जानकारी भी नहीं है, पर बहुत से लोगों का मानना है कि ये रियल है और इसमें सचमुच चमत्कार हो रहा है। आपका क्या ख्याल है कॉमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, वर्जिन मैरी। दोस्तों अब तक आप सभी ने बहुत से हिलने वाली मूर्तियां देख ली होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी पेंटिंग देखी है जिसमें बना चित्र अपने आप बोल रहा हो? अगर नहीं देखी तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आई इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
जिसमें दिख रही एक चर्च के अंदर टंगी हुई जीसस को गोद में लिए वर्जिन मैरी की पेंटिंग के होठ अपने आप हिल रहे हैं जैसे वो प्रार्थना कर रही हो। इस वीडियो को वहां मौजूद दो व्यक्तियों द्वारा अपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे इसे अपलोड कर दिया, जिसे अब तक कई लाख लोग देख चुके हैं। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि चर्च में मौजूद अन्य लोगों ने भी यह दावा किया कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था, और उन्होंने बाहर इसके बारे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस पेंटिंग के होठ लाइट की वजह से इस तरह हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 4, एक्स्ट्रा वर्जिन मैरी। अब जिस स्टैच्यू के बारे में जानने जा रहे हैं उसकी कहानी 2018 की सबसे चर्चित कहानी थी। दोस्तों, जुलाई 2018 में न्यू मेक्सिको में वर्जिन मैरी की एक 7 फुट के स्टैच्यू की आंखों से अचानक ही आंसू निकलने लगे, और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि आंखों से निकलने वाला ये तरल कुछ और नहीं बल्कि ऑलिव ऑयल था, जिसमें से गुलाब के फूल की तरह खुशबू आ रही थी। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला, वो तुरंत ही इन स्टैच्यू की पूजा करने लगे, और उन्हीं में से कुछ लोगों द्वारा इन आंसुओं का नमूना ले लिया गया, जिसके टेस्ट के बाद ये पता चला कि ये आंसू प्योर ऑलिव ऑयल ही था। वेल, ये आंसू कैसे और क्यों निकलते हैं इस बारे में अब तक कोई नहीं जानता, और इसी वजह से लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। नंबर 3, ब्लिंकिंग बुद्धा। साल 2011 में मलेशिया के कुआलालंपुर के मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा की पलकें अपने आप झपकने लगीं और होठ हिलने लगे, जिसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे भगवान की यह प्रतिमा अपने आप सांस लेने लग गई हो। इस घटना को एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा अपने फोन में रिकॉर्ड किया गया, जिसे बहुत से लोगों द्वारा देखा गया। हालांकि ये बात अब तक साफ नहीं है कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है या फिर ये बिल्कुल रियल है, पर कई जानकारों का कहना है कि ये लाइट की वजह से पैदा हुए इल्यूजन का नतीजा है। नंबर 2, आर लेडी ऑफ द टर्निंग आईज। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग हर जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि बहुत सी मूर्तियां अपने आप हिल रही हैं। वेल, इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि ऐसा तो कई सौ सालों से होता आ रहा है। ठीक ऐसी ही घटना सबसे पहले सन 1643 में चर्चा में आई, जब जर्मनी के 42 स्थानीय अनुयायियों ने यह दावा किया कि प्रार्थना करते समय उन्होंने मैडोना और उनकी गोद में बैठे हुए बच्चे की मूर्ति को अपनी आंखें आसमान की तरफ करते और वापस शहर की तरफ करते हुए देखा है। इस घटना के करीब 2 हफ्ते बाद मैडोना का चेहरा अपने आप लाल हो गया और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस घटना को लोगों द्वारा चमत्कार करार दिया गया क्योंकि ये एक ऐसे समय घटित हुए थे जब जर्मनी अपने एक दुश्मन के साथ युद्ध लड़ रहा था, और उस युद्ध में जर्मनी की जीत हो गई थी। नंबर 1, गणेशा एंड द मिल्क। आप सभी भगवान गणेश के बारे में तो जानते ही होंगे, जिनकी पूजा भारत के हर घर में की जाती है। सितंबर 1995 में भारत के अंदर भगवान गणेश द्वारा एक ऐसा चमत्कार हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला था। दरअसल लोगों के मुताबिक मंदिरों और घरों में स्थापित भगवान गणेश की मूर्तियां अपने आप दूध पी रही थीं, जिस वजह से हजारों लाखों श्रद्धालु मंदिरों की ओर जाने लगे और भगवान गणेश की मूर्तियों को दूध पिलाने लगे, जिसे भगवान सच में पी रहे थे। ये चमत्कारिक घटना नेशनल न्यूज में छा गई और लोगों द्वारा इसे एक राष्ट्रीय चमत्कार माना गया। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस घटना के बाद दूध के दामों में भारी उछाल आ गया क्योंकि लोग दूध लेकर मंदिर में भगवान को पिलाने जा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे जल्दी से लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।